इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जिसे उसका मकान मालिक रोज बेहोश करके उसके साथ गलत काम करता था। पर जब उस लड़की को इस बारे में पता चलता है तो कहानी में आगे क्या होगा, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूं, उसका नाम है द रेजिडेंट और ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम जूलियट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक नर्स है और एक हॉस्पिटल में काम करती है। फिर रात को जब जूलियट अपने होटल में आती है तो हम देखते हैं कि वो काफी परेशान है और किसी चीज के बारे में सोचकर सो नहीं पा रही है। दरअसल हाल ही में जूलियट का ब्रेकअप हुआ है जिस वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब रहने लगी है। फिर अगली सुबह जूलियट एक रेंटल अपार्टमेंट देखने जाती है लेकिन उसे वो अपार्टमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर इसके कुछ देर बाद उसे एक दूसरे अपार्टमेंट के लिए कॉल आता है तो जूलियट उसे देखने के लिए उस अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। वहां पर वो उस अपार्टमेंट के मालिक से मिलती है जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स उसे वो अपार्टमेंट दिखाता है और जूलियट को वो बहुत पसंद भी आता है, पर वो अपार्टमेंट बहुत बड़ा था तो जूलियट को लगता है कि शायद उसका रेंट भी ज्यादा होगा, लेकिन मैक्स उसे इसका रेंट बहुत कम बताता है। जूलियट जब इसकी वजह पूछती है तो मैक्स बताता है कि इस बिल्डिंग के नीचे से ट्रेन गुजरती है जिस वजह से लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस होती है और इस वजह से उसने इस अपार्टमेंट का रेंट कम रखा है। पर जूलियट को इसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसलिए वो इस अपार्टमेंट को रेंट करके वहां पर शिफ्ट करने लगती है। इसी दौरान वहां पर उसकी मुलाकात मैक्स के ग्रैंडफादर से होती है जिनसे बात करते वक्त जूलियट को उनका बिहेवियर काफी अजीब लगता है। फिर एक रात जब जूलियट अपने बेडरूम में सो रही थी तभी वहां पर उसे किसी के होने का एहसास होता है, पर जूलियट जब उठकर चेक करती है तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अब ये देखकर जूलियट वापस सोने चली जाती है पर तभी वहां पर हम किसी की परछाई को देखते हैं जिसका मतलब है कि कोई जूलियट के ऊपर नजर रख रहा है। फिर अगली सुबह जब जूलियट जॉगिंग करके वापस अपने अपार्टमेंट में आती है तो उसे अपने गेट के बाहर एक गिफ्ट मिलता है जिसको देखकर उसे लगता है कि शायद ये मैक्स ने ही रखा होगा। लेकिन बाद में जब वो मैक्स को गिफ्ट के लिए थैंक्स बोलने जाती है तो मैक्स उसे बताता है कि ये गिफ्ट मैंने नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडफादर ने दिया है। ये सुनकर जूलियट मैक्स के ग्रैंडफादर को थैंक्स बोलने जाती है पर वो ठरकी बुड्ढा उसी पर ही लाइन मारना शुरू कर देता है और वो उसे अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी जूलियट कुछ काम का बहाना लगाती है और वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन जब जूलियट अपने एक फ्रेंड के साथ आर्ट एग्जीबिशन में थी तभी वहां पर मैक्स भी आ जाता है और वो जूलियट से बातें करने लगता है। फिर वो दोनों कुछ देर तक वहां पर बकचोदियां करते हैं और फिर जूलियट मैक्स को अपने साथ घर चलने के लिए बोलती है। फिर वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं और इसी दौरान उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। तभी वहां पर हम जूलियट के एक्स बॉयफ्रेंड जैक को देखते हैं जो कि दूर से उन दोनों को देख रहा होता है। फिर घर पहुंचकर जूलियट के मन में ठरक जागने लगती है और वो लपककर मैक्स को किस कर लेती है, लेकिन तभी मैक्स उसे रोक देता है। अब इससे जूलियट को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है और वो मैक्स को सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन जब जूलियट अपने हॉस्पिटल में थी तभी वहां पर उसे मैक्स का कॉल आता है और वो आज रात को उसे डिनर पर इनवाइट करता है। फिर रात को जब वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो जूलियट मैक्स से पूछती है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की, क्या तुम सलमान भाई के फैन हो। अब इस पर मैक्स मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मुझे कभी भी इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मेरा ज्यादातर टाइम इस घर और ग्रैंडफादर की देखभाल में चला जाता है। फिर डिनर खत्म होने के बाद जब मैक्स वहां से जा रहा था तभी जूलियट के अंदर फिर से ठरक जागने लगती है और वो मैक्स को पकड़कर किस करने लगती है। इसी दौरान फिल्म फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि मैक्स जूलियट को पहले से ही जानता था। दरअसल एक दिन जब वो अपने ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल लेकर आया था तब वहां पर उसने पहली बार जूलियट को देखा और इसके साथ ही उसे वहां पर ये भी पता चला कि जूलियट अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रही है, इसलिए मैक्स ने जूलियट को अपना अपार्टमेंट रेंट पर देने के लिए कॉल किया। यहां पर हमें ये भी पता चलता है कि उस रात हमने जिसकी परछाई जूलियट के कमरे में देखी थी वो मैक्स ही था। दरअसल मैक्स ने अपने घर को कुछ इस तरह बना रखा था कि वो जब चाहे तो वो छुपकर जूलियट के कमरे में आ सकता था और जब से जूलियट यहां पर रहने आई है मैक्स हर रात को छुपकर जूलियट के कमरे में आता है और उसे पूरी रात सोता हुआ देखता है जिससे हमें पता चलता है कि मैक्स जूलियट के पीछे पूरी तरह पागल है। वहीं फिल्म वापस प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि मैक्स और जूलियट घपाघप करने की तैयारी कर रहे हैं, पर तभी जूलियट का मन बदल जाता है और वो मैक्स को बोलती है कि वो ये सब नहीं कर सकती। दरअसल जूलियट अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी। फिर जब जूलियट ये बात मैक्स को बताती है तो वो उसे बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह मैक्स जूलियट का पीछा करते हुए एक सुपरमार्केट में जाता है जहां पर जूलियट उसे कल रात के लिए माफी मांगती है और उसे कहती है कि उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भुलाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। यहां पर मैक्स उसे इस तरह बर्ताव करता है कि जैसे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसी रात जब जूलियट अपने कमरे में सो रही होती है तभी वहां पर मैक्स आ जाता है और वो उसे छूने लगता है, पर इसी दौरान जूलियट की नींद खुलने लगती है जिसको देखकर मैक्स वहां से चला जाता है। इसके बाद जूलियट उठकर पूरे घर को चेक करती है और इसी दौरान उसे खाली कमरा मिलता है जिसकी मदद से मैक्स उसके अपार्टमेंट में आया जाया करता था। फिर अगली सुबह जूलियट मैक्स को उस खाली कमरे के बारे में बताती है तो मैक्स उसे बोलता है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा और फिर वो पूरा दिन वहां पर रुककर उसे ठीक करने लगता है। फिर रात को जब जूलियट अपने घर पर खाना बना रही थी तो मैक्स उसे वहां पर छुपकर देखने लगता है। तभी वहां पर उसे जूलियट की कॉल से पता चलता है कि आज रात को उसका एक्स बॉयफ्रेंड जैक उसके साथ डिनर करने यहां पर आने वाला है। फिर इसके थोड़ी देर बाद जब जूलियट वहां से चली जाती है तो मैक्स उसके किचन से होते हुए उसके घर में आ जाता है। तभी वहां पर जैक भी आ जाता है और उसे देखकर मैक्स भागकर जूलियट के क्लोजेट में छुप जाता है। दूसरी तरफ जैक और जूलियट कुछ देर तक बातें करने के बाद एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वहीं पर ही धुआंधार घपाघप करने लगते हैं। मैक्स भी वहीं छुपकर उन दोनों के इस कार्यक्रम को देख रहा होता है और ये देखकर मैक्स को बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। फिर जैक के वहां से जाने के बाद मैक्स गुस्से में जूलियट की वाइन में बेहोशी की दवा मिला देता है जिसको जूलियट पी लेती है। फिर रात को जब जूलियट सो रही होती है तभी मैक्स वहां पर आता है और उसे हर जगह पर छूने लगता है, पर अब क्योंकि जूलियट बेहोश थी तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर अगली सुबह जूलियट काफी लेट उठती है जिस वजह से वो हॉस्पिटल जाने के लिए भी बहुत लेट हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब हॉस्पिटल में जूलियट अपने एक दोस्त से बात कर रही थी तभी हमें पता चलता है कि जूलियट पिछले कई दिनों से रोज काम पर लेट आ रही है। अब जूलियट को भी ऐसा लगने लगता है कि शायद उसके अपार्टमेंट में कुछ तो अजीब हो रहा है, इसलिए वो अगले दिन पूरे अपार्टमेंट में कैमरे लगवा लेती है, पर वो इस बारे में मैक्स को कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर को ड्रग्स का ओवरडोज देकर मार डालता है क्योंकि वो अक्सर उससे काफी उल्टा सीधा बोला करते थे। फिर उसी रात मैक्स जैक और जूलियट को साथ में डिनर करते हुए देखता है जिसको देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद जब जैक वहां से वापस अपने घर जा रहा था तब मैक्स उसे धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। वहीं जूलियट जब घर आकर कैमरे की रिकॉर्डिंग्स चेक करती है तो उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो कंप्यूटर बंद करके वाइन पीने लगती है। ये वही वाइन थी जिसमें मैक्स ने बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। फिर जब जूलियट उसको पीने के बाद बेहोश हो जाती है तो मैक्स वहां पर आकर उसके साथ सेम प्रोसेस वापस करने लगता है, लेकिन इस बार जूलियट को होश आ जाता है और ये देखकर
मैक्स उसे तुरंत बेहोशी का एक इंजेक्शन दे देता है, जिसके कारण जूलियट फिर से बेहोश हो जाती है। अब उस दवा की वजह से जूलियट अगले दिन फिर से लेट उठती है, जिस वजह से वो जल्दी में हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लगती है। पर इसी दौरान उसे बेड के नीचे से उस इंजेक्शन की कैप मिलती है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि जरूर उसे रात को कोई बेहोशी का इंजेक्शन दे रहा है। इसके बाद हॉस्पिटल जाकर जूलियट अपना खून और यूरिन टेस्ट कराती है, ताकि वो पता लगा सके कि कोई उसे ड्रग्स तो नहीं दे रहा। इसके बाद जूलियट को जैक का मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा था कि वो आज रात को उसके घर पर डिनर के लिए आ रहा है। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं, जो जूलियट के कमरे में आकर उसकी चीजों को छूने लगता है, पर तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है और वो उसके घर में आकर मैक्स के उस सीक्रेट दरवाजे को देखने लगता है। लेकिन तभी मैक्स उसके पीछे आ जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं हॉस्पिटल में हम जूलियट को देखते हैं, जिसे अपनी रिपोर्ट पढ़कर पता चलता है कि उसके खून में ड्रग्स हैं। अब जूलियट इससे काफी ज्यादा डर जाती है और वो मैक्स को फोन करने की कोशिश करती है, ताकि वो मैक्स को घर जाने से रोक सके। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी मैक्स का कॉल नहीं लगता। इसके बाद जूलियट भागकर अपने घर जाती है और वो अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग्स चेक करने लगती है। तभी उसे भी पता चल जाता है कि उसे हर रात ड्रग्स देने वाला और कोई नहीं बल्कि मैक्स ही था। अब ये देखकर जूलियट बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे मिलने मैक्स आ जाता है और वो अपने साथ एक वाइन की बोतल भी लाया था। अब जूलियट उसे काफी नॉर्मली बातें करती है, ताकि मैक्स को शक ना हो कि उसे सब कुछ सच पता चल चुका है। इसके बाद मैक्स जूलियट को वाइन ऑफर करता है, तो जूलियट उसे कोई बहाना लगाकर उस वाइन को पीने से मना कर देती है, क्योंकि उसे भी पता था कि मैक्स ने जरूर इसमें कुछ मिलाया होगा। अब मैक्स को भी शक होने लगा था कि शायद जूलियट को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो एक ड्रग्स वाला इंजेक्शन लेकर जूलियट को बेहोश करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जूलियट एक चाकू निकालती है और वो उससे मैक्स पर अटैक कर देती है। अब वो दोनों वहाँ पर कुत्ते की तरह लड़ने लगते हैं, पर तभी जूलियट किसी तरह उससे पीछे छुड़वाती है और बाथरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। फिर कुछ देर बाद जब जूलियट आईने में अपनी खूबसूरत शक्ल को निहार रही थी, तभी मैक्स वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी जूलियट उस पर फिर से हमला कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए जूलियट एक रूम में जाती है, जहाँ पर उसे एक पंचिंग मशीन मिलती है। वो उस मशीन को लेकर वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन तभी मैक्स उसे एक मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद मैक्स उसे जान से मारने ही वाला होता है, पर तभी जूलियट उस पर उस पंचिंग मशीन से हमला कर देती है, जिससे मैक्स बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद मैक्स उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलियट उससे किसी तरह बचकर एक स्टोर रूम में आ जाती है। वहाँ पर उसे जैक की डेड बॉडी भी मिलती है, जिसे मैक्स ने मारा था। फिर कुछ देर बाद मैक्स भी वहाँ पर आ जाता है और जूलियट उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, पर तभी मैक्स उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। पर तभी जूलियट उस पंचिंग मशीन से मैक्स पर बार बार वार करती है और उसे मार डालती है। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।